दोस्तों आप कचारगढ़ जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि हम कचारगढ़ जा रहे हैं, हम सब सगाजन कचारगढ़ जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जो बनाने का मेरा पर्पज़ है, मैंने ऐसे कचारगढ़ के विषयों पे बहुत सारे वीडियो बनाए रखे हैं, फिर भी आज ये वीडियो बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है। दोस्तों यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है। पहला, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग अभी सोच रहे हैं कि वो कचारगढ़ जाएंगे। जैसे कि आज से 7 फरवरी से यह आज से और 11 फरवरी तक ये जत्रा आरंभ हो रही है 2020 में। हर साल इसकी तारीख चेंज होती है। तो दोस्तों आज अगर ये 4 दिन देखे हो तो इस 4 दिन में इंडिया के बहुत सारी जगहों से या इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ का क्षेत्र देखते हैं, यहाँ के भौगोलिक रचना देखते हैं, यहाँ के लोगों की पूजा की एक पद्धति देखते हैं, रीति रिवाज देखते हैं। बहुत सारे लोग रिसर्च करने आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग अपने सगा अपने पुरखाओं को पूजने आते हैं, बहुत सारे लोग अपने दिल में एक अभिलाषा लेके आते हैं कि हमारे पुरखा यहाँ पे होते थे, माँ दाई काली कंकाली का यहाँ पे पेंठाना है, सो वो हमारी पुरखा है, वो हमारी दैवत है, वो हमारी पेन है, सो हम उनके दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे और भी तरह के लोग आते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये गोंडी धर्म वाले लोग जो अभी गोंडी गोंडी चिल्ला रहे, जो अभी कोया पुनेम करके चिल्ला रहे, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए और ये कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों के तरफ डाइवर्ट हो जाए। इसीलिए दोस्तों आज का ये वीडियो है। तो वीडियो या पूरा देखे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं एक पहले बात बता दूं, कचारगढ़ पुण्य भूमि आज से 38 साल पुरानी है, यानी उसका रिसर्च जो हमारे इतिहासकारों ने उसको ढूंढ निकाला है, तभी से अब तक 38 साल हो गए हैं। 38 सालों में महामानव मोतीरावन आचार्य मोतीरावन कंगाली जी, शंकर राव जी मरसकोले और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस कचारगढ़ भूमि की यहाँ पे खोज की और आज कचारगढ़ भूमि में हम लोग जा पा रहे हैं। दोस्तों ये जो मैं हमेशा बताता हूँ वीडियो में कि गोंड है, गोंडी है, कोया पुनेम है, आदिवासी है, मैं सभी शब्द लेके जो बोलता हूँ ये इसलिए बोलता हूँ कि इसके अभी भी एविडेंस बाकी है। जैसे कि गोंडों की पुण्य भूमि पद्मालपुरी काको से लेके रायताड़ जंगो जंगोदाई तक और यहाँ से कोलासुर से लेके कचारगढ़ तक, और आपको जो साइड में डोंगरगढ़ दिखेगा वो भी गोंडों की पुण्य भूमि है। तो दोस्तों ये पुण्य भूमि तो है, लेकिन अभी इसकी निगरानी कैसे रखेंगे, इसको साबुत कैसे रखेंगे, इसको अच्छा कैसे रखेंगे? इसको अच्छा तभी रखा जा सकता है जब भी आप देखते हो कि किसी मंदिर में जाना हो तो आपको घंटी बजानी पड़ती है, घंटा वहाँ पे रखा होता है और आप घंटी बजाते हो, वहाँ पे जाके आरती करते हो। किसी मस्जिद में जाते हो तो आप चादर चढ़ाते हो, किसी चर्च में जाते हो तो आप उनकी तरह से कोई पूजा करते हो। तो अगर आप कचारगढ़ आ रहे हो, कोया पुनेम इस पावन धरती पे आ रहे हो जहाँ पे हमारे पुरखाओं ने यहाँ पे पराक्रम किए हैं, जहाँ पे हमारे पुरखाओं ने गोंडी धर्म का निर्माण किया है, उस पावन भूमि में आ रहे हो और उस पावन भूमि में आके आपको खर्रा खाने, दारू पीने और ऐसे तत्सम शौक रखने की बहुत घमंड चढ़ जाता है। ये घमंड उतारने के लिए इस साल बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे गोंडी युवक हाजिर होंगे। मैं सभी को बताऊंगा कि आप जब भी कोई, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, या आप गोंड हो या परदान हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि आप वहाँ पे जाते हो लड़की लेके, वहाँ पे बैठते हो ना, आप वहाँ के पुरखाओं के दर्शन लेते हो ना, कुछ कर सकते हो, आप सिर्फ एंजॉय के लिए जाते हो। ठीक है दोस्तों, आप रिसर्च के लिए जा रहे हो, एंजॉय के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ये 4 दिन के लिए जत्रा रहती है साल में एक बार, और इस दौरान बहुत सारे भाविक आते हैं। अगर आप उन रूल को फॉलो नहीं करेंगे, आप चप्पल लगा के कहीं भी चले जाएंगे तो आने वाले सगाओं पे या हम जैसे लोग वहाँ पर रहते हैं, हमारे दिल पे बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति को हम ना ही किसी राजनीतिक पार्टी को और ना ही किसी सामाजिक पार्टी को जोड़ना चाहते हैं। ये हमारा धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे भावनाएं हैं, सो बाकी लोग और हमारे लोग भी ध्यान रखें कि वहाँ पर कूड़ा कचरा कहीं पर भी ना डालें, कूड़ा कचरा डस्टबिन में ही डालें, कहीं पर दारू पी के शराब वहाँ
शराब पी के वहाँ की जो रचना है, वहाँ की वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको बर्बाद ना करें, किसी भी पेड़ को तोड़े ना, और कहीं भी गुफा में कहीं भी कचरा कूड़ा या घान ना करें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कचारगढ़ पुण्य भूमि में, जहाँ अलग एरिया में जा जा के वहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। आप समझ चुके होंगे कि मैं गंदगी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। और दूसरी बात है कि वहाँ पे मैं अभी कचारगढ़ की जो टीम है उनको मैं बताना चाहूँगा कि भाइयों, कचारगढ़ आने वाले लोग यही समझ के आते हैं कि यहाँ पे गोंडी पुनेम, गोंडी कोया पुनेम जैसे कुछ किताबें मिलेंगी, कुछ साहित्य मिलेगा, कुछ वस्तुएं मिलेंगी। वहाँ पे आरएसएस का स्टाल लगा के आप करना क्या चाहते हो, आप दिखाना क्या चाहते हो? कचारगढ़ पुण्य भूमि में सिर्फ गोंडी कोया पुनेम सम्मेलन या गोंडी साहित्य या गोंडी वस्तुएं ऐसे ही बेचने को आप वहाँ पे परमिशन दीजिए। आप अलग धर्मों का अलग एजेंडा करने के लिए हमारा ये स्टेज नहीं है। मैं सभी को बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारे भावनिक जो धार्मिक भावना है वो वहाँ पे दफन है और हम उसको बर्बाद नहीं करना चाहते। दूसरी बात, कचारगढ़ अभी कमेटी वाले जो काम कर रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी राजनीतिक नेता को बुलाना, उसके लिए एक दिन बंद रखना, और वो राजनेता वहाँ गुफा तक जाता भी नहीं तभी सब बंद रखना, आने वाले भावुकों को साइड में करना, आर्मी बुलाना, ये सब जो बातें चल रही, आर्मी तो चाहिए क्योंकि वो जंगली इलाका है, लेकिन एक नेता की वजह से आप लाखों भाविकों को रोक दिए रहे। जत्रा होती है 4 दिन की, उसमें एक दिन एक नेता खा जाता है, तो आप बताइएगा कि इतने सारे गुंड समुदाय है, इतने सारे लोग बाहर देशों से बाहर राज्यों से आते हैं, आप उनसे क्या कहोगे? और उनके लिए इस एक नेता के लिए आप पूरा रोक देते हो। नेता भी होगा तो वो इस राज्य का नेता होगा, इस देश का नेता होगा। वहाँ पे धार्मिक भावना है तो वहाँ पे उसका कुछ नहीं चलना चाहिए मेरे ख्याल से, और अगर वो भी है तो उसको प्रोटेक्शन दो, उसके आगे पीछे आर्मी लगाओ और गुफा तक चलते बनो, वहाँ तक गाड़ी जा ही नहीं सकती और जाना भी मना है। ये जो पुण्य भूमि है उसको पैर में जूता निकाल के चलने को बताओ, क्योंकि ये गुंडों का रिवाज है कि हम कहीं भी जाते हैं, चप्पल तो अब आई है दोस्तों, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं, अपने पेन के पास जाते हैं तो पैर में कुछ भी चप्पल या जूता होता नहीं। इसीलिए ध्यान रखे कि आप अभी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो वो कचारगढ़ जाएंगे, और कचारगढ़ जाने के बाद वो देखेंगे कि वहाँ पे अगर कुछ आपको गलत दिख रहा है, कोई आदमी कुछ रूल फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं पे कोई बैठ के दारू पी रहा है, कहीं पे किसी ने कचरा फेंक दिया तो उसको तभी के तभी उठाने को बोलो, डस्टबिन में डालने को बोलो। दूसरी बात, वहाँ पे कहीं और भी स्टॉल लगे हैं, जैसे कि गोंडी संस्कृति में कुमकुम लगाते ही नहीं है, कुमकुम का कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको हनुमान जी के, शंकर जी के कुमकुम यहाँ पे आपको दुकानें दिखेंगी, लेकिन वहाँ पे लोग कुछ खरीदते नहीं है, बात अलग है। लेकिन कमिटों को मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी और गोंड लोग हिंदू धर्म के दायरे में आते हैं, हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, उनको पता है, जिनको पता नहीं है वो तो अभी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी इंसान यह हिंदू नहीं है और किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता। तो हमारे कोया पुनेम सम्मेलन तथा कचारगढ़ की कमेटी को ये समझना चाहिए कि हम हमारे लोगों को ये बता दें कि हम हिंदू तो नहीं हैं लेकिन हम किसी भी धर्म से आते नहीं हैं। इसीलिए हमारा जो धर्म है, हमारे जो प्रकृति के पूजा के जो साहित्य है, वो साहित्य ही हम वहाँ पे रखें और लोगों को बताएं कि हम हल्दी क्यों लगाते हैं, हम राड़ क्यों लगाते हैं, हम चावल क्यों लगाते हैं, ये लोगों को मीनिंग बताएं। वहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदिक ज्ञान, जैसे रामकंद हो गया, बहुत सारे आयुर्वेदिक जो फलाहार है वो भी बेचने को स्टॉल रहते हैं, एक अनोखी जत्रा रहती है वहाँ पे, और हमें चलते जाना पड़ता है। और कचारगढ़ का मेन आकर्षण बाकियों के लिए ये है कि एशिया की सबसे बड़ी गुफा वहाँ है दोस्तों, लेकिन वो गुफा का इतिहास जो है, गुफा के स्टार्टिंग में आप अगर वहाँ पे झंडा देखो तो वहाँ पे जान गई है, शहीद हुआ है हिरासुका पाटलिरा, जिसने इस गोंडी धर्म के निर्माण के लिए खुद की जान दे दी। आपको अगर सामने दिखेगा दाई काली कंकाली का पेंट आना, तो वहाँ पे काली कंकाली की बिजली कड़कने से मौत हुई थी, जिस काली कंकाली ने इस गोंडी संस्कृति की नींव रखी थी। तो वहाँ पे आपको भी पेंट आना है, वहाँ पे नतमस्तक होना है। पांडिपारी कुपारलिंगों की कुटी आपको मिल जाएगी, जहाँ पे उन्होंने ध्यान रखा था, वो कुटी पे आपको जाना है, वहाँ पे नतमस्तक होना है। और आज जो एशिया की गुफा है जहाँ पे 33 बच्चों को बंद करके रखा गया था,
वहाँ पे भी जाके आपको मत्था टेकना है, जैसे कि हीरासुका पाटलिर भी वहाँ पे शहीद हुए थे। ऐसे बहुत सारी कथा है, बहुत सारा इतिहास वहाँ पे गड़ा हुआ है, और इस इतिहास को बरकरार अगर रखना है दोस्तों तो हमें अपने नियम फॉलो करने पड़ेंगे। मैं सभी को गोंड समुदाय का निवेदन करूँगा, आप जाओगे वहाँ पे तो हमारा गोंडी पोशाक है क्या, धोती, तो आपको धोती लगाना है। महिलाओं को मैं बताऊँगा, कोई किसी भी लोग पर नहीं हंसता, आज का ये ज़माना नहीं है कि कोई किसी पर भी हंस दे दोस्तों। ये ट्रेंड चल रहा है और हमारा ट्रेंड वही है, इंसान आदमी हो तो धोती लगाएगा और औरत हो तो वो नौवारी जैसे पातल डालेगी। तो आपको यही समझना चाहिए कि हम हमारे अगर रूल फॉलो करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी रूल फॉलो करते रहेगी। जो भी आपको भूमकाएँ मिलते हैं, भूमका यानी इस गोंडी धर्म का प्रचारक होता है, वो यहाँ पे हमारे संस्कृति में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपको कहीं भूमकाएँ मिल जाए तो उनको प्रणाम करते चलिए, उनको जय सेवा कहते चलिए, जय गोंडवाना कहते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि मैं 7 तारीख को वहाँ पे आने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन फैमिली में एक प्रॉब्लम हो गई, सो मैं पुणे था तो पुणे से मैं झट से गाँव आया हूँ और अभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके मैं कचारगढ़ आने वाला हूँ। सो कचारगढ़ कब आ रहा हूँ ये तो नहीं बता सकता, हो सकता है मैं 10 तारीख को, हो सकता है मैं 11 तारीख को आ जाऊँ, क्योंकि फैमिली मैटर के मामले में आप सभी जानते हो कि हम कहीं नहीं जा सकते, फैमिली है तो सब कुछ है और फैमिली है तो हम आज तक जिंदा है, तो इसलिए मैं फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ। और पिछले 4 तारीख को ही मैं गाँव आया हूँ पुणे से अर्जेंट में, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोगों की तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी और आज भी मैं उनके अस्पताल के फेरे लगा रहा हूँ। सो दोस्तों ये तो हो गया मेरा फैमिली मैटर। सो मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी जाते हो तब ये सब रूल फॉलो करना और दिल से करना, आपको वहाँ पे हीरासुका पाटलिर और कली कंकाली के दर्शन हो ही जाएंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा, ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में भेजना, क्योंकि वो भी कचारगढ़ जा रहे हैं, और सभी को बोलूंगा कि वहाँ के जो पवित्र भूमि है उसकी पवित्रता बनाए रखे और खुद भी एंजॉय करे और दूसरों को एंजॉय करने दे, और कोई भी आता है तो उसको बताए, जो भी गंदगी फैलाता है उसको भी बताए, और सभी वहाँ पे होने वाले पुलिस आर्मी को कोऑपरेट करे और वहाँ पे अपने सच्चे मन से जाए, आपको जरूर पहांदीपारी कुपारलिंगों की कृपा मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय आदिवासी, जय भीम।